आप और आप लोग अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आपका ऑपरेशन चल रहा था, दूसरा एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उस घर तक भी पहुंचे जहां पर उस गाड़ी में विस्फोटक रखे गए थे, और आप उस घर तक भी पहुंचे जहां पर ये आतंकवादी, ये जो कामरान है, पाकिस्तानी आतंकवादी जैश ए मोहम्मद का, इसके जो लोकल मॉड्यूल थे, ये जहां ठहरे थे या रह रहे थे, वहां तक भी सेना के जवान पहुंचे। वहां पर एक बहुत कठिन ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जिसमें हमारे कुछ वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, कुछ अधिकारी घायल भी हुए थे। आप उस ऑपरेशन के बारे में हमें क्या बता सकते हैं आज विस्तार से, क्योंकि वो मेन रोड, मेन लेतपुरा हाईवे से जो एक सड़क कट के गांव की तरफ जाती है, गांव से कुछ हटकर ये ऑपरेशन हुआ था सर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरतीब या इंटेलिजेंस गैदरिंग के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो एक ऐसा चीज है जिसके बारे में मैं ओपन में नहीं बता सकता। लेकिन इसके बावजूद इस ऑपरेशन के दौरान, जैसे कि आपने खुद ने बताया, 3-4 जगह के ऊपर ये कार्रवाई हुई थी, कहाँ पे गाड़ी आई थी, कहाँ पे एक्सप्लोजिव इकट्ठे किए गए, कहाँ पे प्लानिंग की गई और कहाँ पर यह मॉड्यूल इस वक्त छिपा हुआ था, सब जगह को साइमल्टेनियसली कॉन्टेक्ट किया गया। इसके अलावा भी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए 7-8 ऑपरेशन और भी लॉन्च किए गए ताकि असली ऑपरेशन कहाँ पे जा रहा है उसकी भनक ना लगे, और लास्ट मिनट तक रेडियो साइलेंस भी मेंटेन की गई, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन इन द ईयर नहीं होगा। और जैसे अभी आपने भी बात की, हमारे तमाम कमांडर्स जो थे वो देवर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो अपनी अपनी टोली का जो भी इसको कमांड थी सबसे आगे खुद लीड करते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। इस ऑपरेशन में हमारी कैजुअलिटी हुई मेजर विभूति ढौंडियाल और 3 लड़के राष्ट्रीय राइफल्स के डीएनआर्मी के, और एक लड़का जम्मू कश्मीर पुलिस का अब्दुल, और करना का रहने वाला था तंगधार का, मैं अभी उसकी वाइफ से भी मिला थोड़े दिन पहले जी। तो इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया, ब्रिगेडियर हरबीर सिंह और डीआईजी जेके पुलिस जो कि खुद ऑपरेशन को फ्रंट से लीड कर रहे थे, वो इंजर भी हुए उसमें। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इंडियन आर्मी की और जम्मू कश्मीर पुलिस की लीडरशिप के बारे में जी। ब्रिगेडियर हरबीर सिंह जो कि ब्रिगेड कमांडर या सेक्टर कमांडर थे उस फोर्स के, जिसमें राष्ट्रीय राइफल फोर्स जो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, वो छुट्टी पर थे और घर पर थे। जैसे ऑपरेशन शुरू हुआ उनको खबर लगी कि ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है, उन्होंने पहली फ्लाइट पकड़ के श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे और श्रीनगर एयरपोर्ट से डायरेक्टली ऑपरेशन साइट के ऊपर आए, बिल्कुल अपने हेडक्वार्टर में नहीं गए, अपने कमरे में नहीं गए, सीधे एयरपोर्ट से ऑपरेशन साइट पे आए, जल्दी से पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी हासिल की, उसका पूरा कोऑर्डिनेशन को पता किया कैसे चल रहा है, और ऑपरेशन को लीड करना शुरू किया। और जब ऑपरेशन ट्रिप खत्म हो रहा था उस टाइम पे उनको खुद को भी गोली लगी, वो हमेशा फ्रंट से लीड कर रहे थे। ऐसे ही डीआईजी थे जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो भी अपने फोर्सेस को बिल्कुल सामने से लीड कर रहे थे, उनको भी गोली लगी, वो भी इंजर्ड हुए। हमारे बहुत ही दुर्दांत आतंकवादी था जो मारा गया कामरान, इसका नाम कुछ जो वहां के लोकल में लोग बता रहे थे, कोई गाजी गाजी करके, और बहुत सम्मान से इसके बारे में बातचीत होती थी, लेकिन उसको आपने एक ही बार में उस सारे सम्मान को ध्वस्त कर दिया। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप देना चाहते थे जनरल साहब। हाँ, जैसे कि मैं भी आपको बता रहा था, कामरान जो है ये उसका नाम था, जैश ए मोहम्मद का टेररिस्ट था, पाकिस्तानी था बाय बर्थ, पाकिस्तान का नागरिक था, और गाजी उसका कोड वर्ड था। जितने भी पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, गाजी उनका बहुत फेवरेट कोड वर्ड है, और इससे पहले भी बहुत सारे गाजी नाम के टेररिस्ट जो हैं वो कश्मीर में मारे जा चुके हैं, क्योंकि मैं 1988-89 से ही कश्मीर में कार्यरत हूँ, तो कई बार गाजी कोडवर्ड के टेररिस्ट को हमने पहले भी मारा है, एक गाजी बाबा करके ट्राल में भी मारा गया था। तो कामरान का भी कोडवर्ड गाजी था। तो जिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, जब 19 फरवरी 2019 को ये ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद में अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था कि सर वो गाजी मारा गया कि नहीं मारा गया। तो मैंने उसका जवाब एक छोटे से स्टेटमेंट से दिया था, सर कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, परवाह नहीं है, वी आर देयर, डोंट वरी।